राजस्थान बोर्ड RBSE क्लास 7 सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान पाठ तीसरा जल। जल दिवस कब मनाया जाता है? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, छोटे प्रश्नों में पूछ सकता है। जल दिवस कब मनाया जाता है? तो वह 22 मार्च को मनाया जाता है जल दिवस। वोन झील किस देश में स्थिर है? तो वोन झील तुर्की देश में स्थिर है। रूफ टॉप जल संरक्षण किसे कहते हैं? ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। रूफ टॉप जल संरक्षण किसे कहते हैं? तो रूफ टॉप जल संरक्षण विधि में वर्षा के जल को भवन की छत से एक पाइप द्वारा नीचे बनी जल की टंकी अथवा होल में एकत्रित कर लिया जाता है। बाद में आवश्यकता अनुसार उस जल का उपयोग किया जाता है। यह विधि कम वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए अधिक उपयोगी होती है। तो भवन के ऊपर जो छत होती है उससे एक पाइप के द्वारा नीचे टंकी में भर लिया जाता है, तो इसी को रूफ टॉप जल संरक्षण कहते हैं। जल के विभिन्न स्रोतों के नाम लिखिए। तो स्थल पर जल के प्रमुख स्रोत नदियाँ, नीले बांध, तालाब, कुएं, एनीकट, भूमिगत जल आदि हैं। विश्व की प्रमुख प्राचीन सभ्यताएं जल के किनारे क्यों विकसित हुई? महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विश्व की प्रमुख प्राचीन सभ्यताएं जल के किनारे ही क्यों विकसित हुई? जैसे मिस्र नील नदी घाटी की सभ्यता के उधर ही क्यों विकसित हुई? ऐसे सारे प्रश्न इसमें बनते कि सारी सभ्यताएं जल के किनारे ही विकसित हुई थी। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो भी प्राचीन सभ्यताएं, ज़्यादातर सारी सभ्यताएं जल के किनारे ही विकसित हुई थी। तो विश्व की प्रमुख प्राचीन सभ्यताओं का विकास जल स्रोतों के निकट हुआ है। इसका प्रमुख कारण यह था कि इन सभ्यताओं ने जल स्रोतों से न केवल पेयजल ही प्राप्त किया बल्कि कृषि, व्यापार, परिवहन और सुरक्षा आदि का लाभ भी प्राप्त किया। इसी विश्व के प्रमुख नगरों और कस्बों का विकास नदियों और झीलों एवं सागरों के तटों पर हुआ है। तो इन्होंने उधर कृषि करना आसान होता है जहाँ पे नदियाँ पास में होती है, व्यापार करना, परिवहन और सुरक्षा के महत्वपूर्ण स्थिति थी। उस समय युद्ध होते थे तो चोरी भी हो सकती थी, तो वहाँ पर जब जल रहता है तो वहाँ पर सुरक्षा रहती है कि न जल के इस किनारे से तो कोई आ ही नहीं सकता है। भूमिगत जल के विवेकहीन उपयोग से हमें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है? तो स्वच्छ एवं मीठे जल का प्रमुख स्रोत भूमिगत जल ही है। यह भूमिगत जल कुओं एवं नलकूपों में एकत्रित होता है जिसे मशीनों द्वारा धरातल पर लाकर उसके विभिन्न दैनिक उपयोग किए जाते हैं। भूमिगत जल का यदि विवेकपूर्ण उपयोग नहीं किया गया तो उससे निम्न समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। तो पहली समस्या है भूमिगत जल स्तर निरंतर नीचे चला जा रहा है। दूसरा, भूमिगत जल के अंधाधुंध दोहन से इसकी उपलब्धता में कमी आ रही है। तीसरा, भूमिगत जल ही धरातलीय क्रियाओं का आधार है। इसके विवेकहीन उपयोग से कृषि, उद्योग, वनस्पति, जीव जंतु एवं स्वयं मानव भी संकट में पड़ सकता है। मिट्टी की नमी कम हो जाएगी और वह कृषि के अयोग्य हो जाएगी, यानी कृषि नहीं हो पाएगी उस पर। खारे व मीठे जल में क्या अंतर है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। मीठा व स्वच्छ जल ही मानव फसलों एवं वनस्पतियों तथा जीव जंतुओं के लिए उपयोगी है, जबकि खारे जल की उपयोगिता पीने के लिए फसलों, जीव जंतुओं एवं वनस्पति के लिए शून्य है। जल का खारापान, उसमें मिले सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम व अन्य लवणों के कारण होता है। तो खारा पानी किन किन लवणों के कारण होता है? तो वो है सोडियम क्लोराइड एवं कैल्शियम और मैग्नीशियम व अन्य लवणों के कारण ही होता है। जल प्रदूषण किसे कहते हैं? जल प्रदूषण को रोकने के उपाय बताइए। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्रकृति प्रदत्त जल शुद्ध होता है जब इस जल में ऐसे अवांछित तत्वों का समावेश हो जाए तो उसे मानव उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना दे, तो इसे जल प्रदूषण कहते हैं। जल में अवांछित तत्वों का समावेश मानवीय गतिविधियों के कारण होता है। प्रदूषित जल मानव सहित जलीय जीवों एवं वनस्पतियों के लिए अनुपयोगी होने लगता है। आल प्रदूषण रोकने के उपाय। जल प्रदूषण तभी रुक सकता है जब इसे रोकने के लिए प्रशासनिक स्तर के साथ साथ व्यक्तिगत स्तर पर भी प्रयास किए जाएं। व्यक्तिगत स्तर की जागरूकता अधिक महत्वपूर्ण है। तो हम व्यक्तिगत और प्रशासनिक दोनों के
कार्य पड़ेंगे कि जल प्रदूषण कैसे रोकते हैं, तो व्यक्तिगत प्रयास यानी हम कर सकते हैं जनता को जागरूक करना और जल प्रदूषण को रोकने के उपायों की जानकारी देना। दूसरा, सार्वजनिक जलाशयों में पशुओं को नहलाना, स्नान कराना व कपड़े धोना प्रतिबंधित हो। तीसरा, रासायनिक खादों का कम से कम उपयोग किया जाए। और अब प्रशासनिक कार्य, तो प्रशासनिक कार्य के अंदर नगरों के सीव रेम्ब के जल को जलाशयों में मिलने से पहले ही साफ करके पुनः उपयोग योग्य बनाया जाए। दूसरा, ठोस शहरी कचरे का निस्तारण जल स्रोत में ना करके अन्यत्र बंजर एवं अनुपयोगी भूमि पर किया जाए। तीसरा, जल प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों एवं नागरिकों के विरुद्ध सख्त कानून बनाए जाए। चौथा, टीवी रेडियो एवं समाचार पत्रों के माध्यम से जल प्रदूषण एवं संरक्षण के प्रति जन चेतना जागृत करना आवश्यक है। जल प्रदूषण को रोकने के लिए भारत में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण कानून 1974 तथा पर्यावरण संरक्षण कानून 1986 बनाया गया है। और भारत में गंगा और यमुना नदियां सबसे अधिक प्रदूषित मानी गई है। गंगा नदी की सफाई के लिए भारत सरकार द्वारा गंगा एक्शन प्लान एवं नमामि गंगे नामक कार्य योजनाएं चलाई जा रही है।